नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोगल की खेती के बारे में। आप लोगों ने गोगल धूप के बारे में सुना होगा, गोगल अगरबत्ती के बारे में सुना होगा, और बहुत कॉस्टली आती है ये भी सुना होगा, और प्योर मटेरियल तो और भी ज़्यादा कॉस्टली आता है ये भी सुना होगा। तो कैसे इसकी खेती की जाती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपको बता दूँ कि केवल धूप और अगरबत्ती के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसका इस्तेमाल गठिया बीमारी को ठीक करने के लिए, बवासीर को सही करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, घाव भरने के लिए, बहुत सी दवाइयों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और मजे की बात यह है कि चाहे एलोपैथी हो, जो गोलियां आप लेते हैं, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, तीनों ही प्रकार की दवाइयां जो हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और तो और, इसे अभी रेड डाटा बुक के अंदर डाल दिया गया है। रेड डाटा बुक के अंदर वो चीजें डाली जाती हैं जो विलुप्त हो रही हैं, जो चीजें समाप्त हो रही हैं हमारे यहां से, उनको डाला जाता है। तो भारत के अंदर आज के वक्त में गोगल के जो प्लांट हैं वो समाप्त हो रहे हैं, खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं। तो इसीलिए हमें अब ये अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से मंगाना पड़ रहा है, यानी मांग बहुत है, उत्पादन नहीं है। हमें क्या करना है, हमें उत्पादन करना है, मांग को पूरा करना है और अच्छे खासे पैसे कमाने हैं। तो कैसे इसकी खेती होती है, अभी सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें, और उसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इसकी किस्म के बारे में बता देता हूं। एक संस्थान है सीमैप, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ये बना हुआ है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इस इंस्टीट्यूट ने एक इसकी वैरायटी निकाली है, उसका नाम है मरुसुधा, और ये सबसे बेस्ट वैरायटी है भारत में उगाने के लिए। तो आप मरुसुधा को ला सकते हैं और उगा सकते हैं, एक ही किस्म है। अब रही बात कि उगाना कैसे है, तो सबसे पहले जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर के महीने के बीच में आपको इसकी नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी तीन तरीके से तैयार की जाती है। एक, आप एयर लेयरिंग के जरिए कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप बीज के जरिए कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, आप कलम के जरिए कर सकते हैं। एयर लेयरिंग के अंदर क्या होगा, प्लांट के ऊपर ही प्लांट तैयार हो जाएगा। बीज के अंदर क्या है, बीज लगाना है। और कलम के जरिए क्या होगा कि आपको कलम काट कर लानी है और लगा देना है। सबसे बेस्ट दो ही तरीके हैं, या तो एयर लेयरिंग के पौधे मिल जाए या फिर आपको कलम मिल जाए। कलम अगर आप लगाते हैं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबी कलम होनी चाहिए। इस बार लगा दीजिए और अगले साल आप फरवरी से लेकर मार्च तक और जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में, एक साल बाद कभी भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लोग फरवरी में लगा देते हैं मौसम के हिसाब से, और वरना लोग जो हैं वो अगस्त के अंदर लगा देते हैं बारिश के हिसाब से। अब रही बात कि लगाना कैसे है, तो 10 बाई 10 के हिसाब से लगाना है। प्लांट से प्लांट की दूरी 10 और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट, 10 बाई 10 के हिसाब से लगाना है। एक एकड़ के अंदर आपके 435 पौधे लगेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लगाते वक्त आपको क्या करना है, गोबर की खाद जो है वो पहले खेत में छिड़क देनी है, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, और उसके साथ में नीम खली पाउडर भी डाल देना है ताकि पौधा थोड़ी जल्दी ग्रोथ कर जाए। अब रही बात की सिंचाई और उन सब चीज़ों का क्या, तो आपको बता दूं, ये जो है ये शुष्क इलाके में होता है, जहाँ पर कम वर्षा होती है। मात्र 10 से 80 सेंटीमीटर अगर बारिश आपकी एक साल में हो जाती है तो बहुत है। हाँ, लगाने के बाद पहली बार इसको पानी देना होगा और उसके बाद में ज़्यादातर आवश्यकता रहती नहीं है। झाड़ी नुमा पौधा होता है, 2 से 3 मीटर तक ये ग्रोथ करता है और 6 से 8 साल के बाद आपको ये प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। प्रोडक्शन इसका कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको इसके पेड़ के अंदर चीरा लगाना है जब ये 8 साल का हो जाए तब। और चीरा कब लगाना है, दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में आपको लगाना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं वहां पर अप्रैल के अंदर लगता है, तो आप अपने यहां के विशेषज्ञों के हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। क्या होता है कि चीरा लगाना है, चीरा लगाने के बाद इसमें से कुछ गोंद निकलेगा, उस गोंद को इकट्ठा कर लेना है और उसे आपको सेल कर देना है। होगा कितना,
तो आपको बता दूं, एक पौधे पे ये लगभग 300 से 400 ग्राम आपको मिल जाएगा। एक एकड़ की अगर बात करें तो एक 300 ग्राम मिलता है, हमने 435 पौधे लगाए तो 152.25 किलो आपको ये मिल जाएगा। 1500 रुपए किलो आज के टाइम का इसका रेट है। 8 साल बाद विलुप्त होती प्रजाति का रेट बहुत ज्यादा होगा, ये सामान्य सी बात है। तो उसके हिसाब से अगर गुना करें तो 2,28,375 रुपए आपको एक एकड़ के अंदर एक साल की आमदनी मिल जाएगी। तो कुछ इसका ऐसा हिसाब है दोस्तों। खैर, आपको शायद इसकी खेती के बारे में पूरी बातें समझ आ गई होंगी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप चाहे सिंचाई वाले एरिया में, चाहे जहां भी है, 2-4 पौधे तो अपने आसपास लगाएं ताकि हम इस विलुप्त होती प्रजाति को बचा सकें। और अगर आपके पास राजस्थान की जमीनें हैं, गुजरात की जमीनें हैं, कर्नाटका की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की जमीनें हैं, ऐसी जमीनें जहां पर पानी की व्यवस्था बहुत कम है, वहां पर आप इसकी अच्छे से खेती कर सकते हैं और बड़े स्तर पर इसकी व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। खैर, आप ज्यादा जानकारी के लिए, हो सकता है मेरे आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हों, आप सी मैप संस्थान जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, वहां के वैज्ञानिकों से जरूर बात करें। वहां पर लखनऊ में जाकर एक बार उनसे मिलकर भी आ सकते हैं अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।